Ew. Eat. Yeah. Yeah. Ah. पहले तेरी पेन गिरी है, समझा? मैं जीता, मैं। अबे चल हट, मेरी पेन ने तेरी पेन को पहले गिरा है। ये अंधे। अंधा किसे बोल रहा है? तेरी पूरी खानदान को बोल रहा, तेरी पेन पहले नीचे गिरी है। अब तू अंधा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चल, मेरी 10 रुपए नहीं काए। अयो, पूरी जिंदगी पेन फाइट में ही खराब करोगे क्या तुम लोग? मैंने सुना है प्रिंसिपल मैडम कोचिंग करती है। हमने तो ये भी सुना है ओनली फ्रेंड्स भी करती है। भाई तू कुछ नया बता यार। जो भी उनके कोचिंग जाता है ना, वो पूरे के पूरे 100 मार्क्स लाता है, क्योंकि वो एग्जाम में वही क्वेश्चन देती जो वो कोचिंग में सिखाती रे। तू सच तो बता रहा है ना चिक्का पल्ली? अयो अम्मा रामा रामा, चिक्का पल्ली कभी झूठ नहीं बोलता। अरे ज्वाइन हो जाए क्या? हाँ भाई, मैं तो ज्वाइन हो रहा फिर। चलो। एग्जाम के दिन। मैंने बोला एग्जाम के दिन। आग लग गई थी। वैसे भी मुझे किस बात की चिंता यार, मैं तो कोचिंग जाके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है ये तो अलग है, कोई ना दूसरा है। ये कौन सा क्वेश्चन है? इनमें से तो एक भी कोचिंग में सिखाए हुए नहीं है। लग गए एग्जाम के बाद। मैं बताता हूँ क्या हुआ एग्जाम के बाद। हमने इस साले को किडनैप कर रखा है और हमारे पास ये औजार है जिससे हम इसका औजार निकालेंगे। ए जंडुए, नारियल देना। ये लो बॉस। ये ले। देखो टीचर्स ना मेरे काफी अलग अलग थे। कोई टीचर मेरे हमेशा पीछे पड़ा रहता था। बर्बाद है तू, तेरा फ्यूचर देख पा रही मैं। ये देख, झाड़ू पोछेगा तू थिएटर्स में। ऐसे टीचर्स के बीच में बस एक ही टीचर थी जो कि मुझे डिफेंड करते थे, मेरी हिंदी वाली टीचर। देखो मैं हिंदी में टॉपर था, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स टीचर्स को टॉपर बच्चे बहुत पसंद होते हैं। इतना कि तुमने कुछ गलत भी किया ना क्लास में तो भी तुम्हारी साइड लेंगे। ओए सुरेश, क्या बे, मेरी बैग को इसके बैग से बांधता है, तुझे फनी दिखता है ये? ए मम्मी। ओए, मैंने देखा। तूने इसको पंच क्यों मारा सुरेश? अरे क्या कह रही हो आप टीचर, इसने मेरे को मारा। क्या तूने इसे सफेद कॉकरोच बोला? क्या ये मैंने बोला था क्या? क्या तूने इसे चूतिया बोला? क्या मैंने कब बोला? क्या तो इसकी माँ के साथ कब सोया? ओके टीचर, आप मेरी ज्यादा साइड ले रही है यार। चलिए ये मम्मी वाला सीन ही नहीं, कैसे पता? पता नहीं यार, टीचर्स को क्या दुश्मनी है हम लोगों से। ये देखो इसको बोलता है टाइम टेबल। अच्छा, वाह वाह। और ये देखो इसको बोलते है मेरा पिछवाड़ा। वाह, तो ये ले। इस टाइम टेबल पे ना सब सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि इस दिन ये सब्जेक्ट्स है तो इस दिन यही बुक्स लाना है। ऐसा तुम लोग सोचते हो, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स को ना हमें दुविधा में देख के खुशी मिलती थी। टाइम टेबल में ये बुक्स लिखा है तो बस यही बुक्स लाओगे तुम लोग? अरे कभी उस सब्जेक्ट की टीचर ही नहीं आई तो क्या करोगे? तो वो पीरियड फ्री कर देना मैडम। ए क्या गंदी बात कर रही है, ची ची ची। वो मैं ले लूंगी ना। और अगर आप नहीं आई तो झंडवे कोई और ले लेगा। मतलब हमारी कोई ना कोई तो लेगा। सही बोल रहा है। चल ये बुक दे। ये तो मेरी बुक है मैडम। तो क्या हुआ, तू तो बाजू वाले का देखना। भाई कसम से वापस नारियल लाना यार, वो अपना सिर्फ और डेका बंद कर रहा है। लाइक एक मिनट रुको, आप हमें बुक्स लाने को बोल रही हो इतना सारा और आप खुद नहीं ला रही, और हम कुछ बोलेंगे तो आपको लगेगा हम आपसे उल्टा बात कर रहे हैं। ये गलत है ना मैडम, आपको अपनी बुक्स लानी चाहिए। अयो, तू मुझसे उल्टा बात कर रहा है? चलो प्रिंसिपल के ऑफिस चलो। देख बेटा, टीचर्स के साथ ना उल्टा बात नहीं करते, ठीक है? वैसे मेरी कोचिंग ज्वाइन होगा, पक्का पास होगा तू, पक्का। नहीं मुझे नहीं, मैं जाता हूँ। आई एम सॉरी मैडम। मेरी पिछवाड़े से टाइम टेबल निकाल दे भाई। दे दे यार। डस्टबिन का। तो बस बोल बेबी, जान तेरे, जो भी चाहिए तुझे मैं तोड़ के ला दूंगा। मैं बस तेरे लिए ला दूंगा मैं। ये लोग इधर क्या कर रहे हैं, ये सब मुझे क्रिंज लगता है, पता है? स्कूल में रिलेशनशिप रख के बैठते हो। लाइक नहीं, मैं नहीं जलता इन लोगों से कि मेरी रही है, लेकिन मैं क्रिंज होता हूँ। अभी भी जब मैं किसी दो लोगों को साथ में देखता हूँ ऐसा लगता है कि यार मुझे तुम पे अंडे फेंकने हैं, और मैंने फेंक दिया। ओ शिट, तुम लोगों ने देख लिया, भागो भागो। किधर जा रहा है? Like, अपने क्लास में था एक गुज्जू जो अपने पिंकी से क्लास में बात करने के अलग अलग तरीके ढूंढता था। मेरा एरोप्लेन। नो, मेरा पेपर प्लेन इधर आ गया। अरे चिंकी, एक उम्मीद है, चलना चलना देना दीदे, वरना सब देख लेंगे। तुम भी ना गुज्जू।
यार हमें तो कोई लड़कियां भाव नहीं देती थी, जैसे ऐसे भाव मिल रहा है। हमें भाव मिलता था, पता है कब? राखी कंपटीशन। पहली बात तो ये होता क्यों था स्कूल में? ये हरामी लड़कियां 10 रुपए की पेंसिल के लिए क्या क्या राखी नहीं बनाती थी यार। देख पिंकी। हाँ बोलना चिंकी। तुझे पता है ये कॉम्पिटिशन मैं ही जीतेगी आज? कैसे? देख मैं ना सबसे पहले सबकी राखियां देखूंगी जो सब लाई है, हाँ? फिर मैं सबसे अच्छा वाला राखी निकालूंगी अपने ये सीक्रेट पॉकेट से। ओई माँ, ये तो वही वाला सीक्रेट पॉकेट है ना जिससे तू एग्जाम्स में चीट करती है चुपके। एक चुप चुप जोर जोर से बोल के सबको स्कीम समझा देगी तू। अब देखती हूँ कौन जीतेगी। वो 10 रुपए का पेंसिल मेरा ही है। हाँ पकड़ लिया, पकड़ लिया उन्होंने तुम लोगों को। हाँ अब ये वीडियो जाके मैं टीचर्स को दिखाऊंगा। ए, क्या बे स्कूल में फोन लाता है? अरे टीचर लेकिन उनका क्या, वो तो चीटिंग कर रही। तू फोन क्यों लाया? अब ये फोन ना नहीं मिलेगा तुझे। वो आईफोन यार बढ़िया है, मैं रखूंगी। मेरा चोर बाजार का आईफोन ले लिया है। बेचारा उस दिन से अभी भी ट्रॉमा में रहता है। इसलिए बच्चों कभी भी अपने स्कूल में आईफोन नहीं ले जाने का। लेना है तो किडनी लेके जाओ। वाह वाह, ये काम कर, ये किडनी मुझे दे और तू ये ले। स्कूल का पिकनिक है अगले संडे को, आ जाइयो। ठीक है ठीक है। वाह, फ्री की किडनी की फ्री की टिकट, फ्री का स्कूल का पिकनिक का टिकट मिला तो मैं खुश हो गया। तो मैं घर जाके अपने गरीब घर वालों से पैसे पूछता हूँ खर्च करने के लिए। मैंने पूछा 100 रुपए दे दो, मुझे 50 रुपए मिला। अब मैं भी अपनी गरीब फैमिली के साथ रह के कुछ तो सीखा हूँ जुगाड़। 10 रुपए का लेस, 15 का समोसा आएगा, फिर जूस 10 रुपए का। ऐसा करके मेरे पास फिर भी 15 बचेगा। कुछ और लेना होगा उधर ले लूंगा। वाह मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। देखो गरीबी में ये सब चलता है। लाइक मैं संदे भिखारी से भी पैसे ले सकता हूँ, हम दोनों सेम ही तो है। मैं अंधा नहीं था, मुझे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ बोला तो लोग मुझे छच्ची में अंधा कर देंगे। ये अंधा आदमी मेरे फोर्थ वॉल में क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। यार मैं तो स्कूल भी अपने दोस्तों के लिए जाया करता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे उसी दोस्त ने अपना स्कूल बदल दिया। और ये सिर्फ अपना ही स्कूल नहीं बदला, ये उसके बाद भी स्कूल बदलते गया। मैं तो भाई एक ही बार स्कूल बदला था, ठीक है। और जैसे ही मैंने वो स्कूल बदला, ठीक है, मुझे मालूम पड़ता है टूटे हुए वॉल्स फिक्स कर दिया, मर-मर के चलने वाले पंखे ठीक कर दिया, और कोई हॉट सी इंग्लिश की टीचर आई लाइक क्या, अरे मेरे सितारों मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है कि मेरे पीछे इतना बैड लग डालते हो। देख भाई ये सब हम पे मत डाल तू, ठीक है, हम तो बस भगवान का काम कर रहे हैं। देखो जो भी डालना है ना वो भगवान पे डाल। अच्छा यो यो, दिस इज भगवान, व्हाट इज अप? हाँ भाई भगवान, आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है जो मेरे पीछे इतना बैड लक डालते हो? एक मिनट, तू प्रदीप है? अरे किस दिन पे तूने मुझे कॉल लगाया यार, आज तो मेरा पूरा दिन बर्बाद जाएगा। हट हट तेरी मां। ओके यू नो व्हाट, बैड लक बहुत चल रहा है। तुम लोग ये वीडियो शेयर करो एंड लाइक करो एंड कमेंट करो, बेबी थोड़ी अच्छी हो जाए। सब्सक्राइब भी कर लो भाई बेचारे को। हाँ ये भीख मांगने का नया तरीका है। ठीक है चलो भाई।